साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो भक्तजनों, आज मैं आपको चैनल के माध्यम से एक पीपल के पत्ते का उपाय बताने जा रहा हूँ। छोटा सा एक टोटका मैं आपको बताने जा रहा हूँ और एक छोटा सा देवी काली का मैं आपको मंत्र बताने जा रहा हूँ। अगर इस मंत्र को आप पीपल के पत्ते के ऊपर लिखने के बाद आप 21 बार अगर इसका सुमिरन करेंगे, अगर आप इसका जाप करेंगे, तो आपकी जो भी इच्छा होगी, जो भी कामना होगी, हर मनोकामना को पूर्ण करेगी देवी माता काली जी, अगर आप इस विधि का जो उपाय करेंगे। जे ऐसा उपाय है भक्तजनों, रात्रि को आपने ये उपाय करना है। कई बार इस मंत्र के द्वारा रात्रि को जब आप इस उपाय को करते हैं तो जो भी आपके मन की इच्छा, जो भी आप भावना लेकर इस मंत्र का जाप करते हैं, कई बार सुबह सुबह ही जो भी आपकी कामना होती है, मनोकामना होती है, वह पूर्ण हो जाती है। और यह जो मंत्र है और पीपल के पत्ते के ऊपर कैसे आपने लिखना है, इसकी संपूर्ण विधि इस वीडियो में भक्तजनों में आपको बताने जा रहा हूँ। और इस उपाय के द्वारा, इस मंत्र जाप के द्वारा आपको अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है, आपको अचानक से नौकरी मिल सकती है, और जो आपका कारोबार धंधा चौपट है तो आपका कारोबार धंधा अच्छे से चलने लग सकता है इस विधि के द्वारा, और आपको गाड़ी वाहन की प्राप्ति हो सकती है। अगर आप किसी से सच्ची मोहब्बत करते हैं और उसको आप अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं, तो इस विधि के द्वारा, इस उपाय के द्वारा और इस मंत्र के द्वारा आपके मन की हर इच्छा पूर्ण हो सकती है। क्योंकि भक्तजनों, हम माता काली जी का अक्सर ही इस मंत्र का जाप करते हैं। जय काली कलकत्ते वाली, दोनों हाथ बजाय ताली, जा बैठी पीपल की डाली। तो पीपल के पत्ते का ही यह जो मंत्र है, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आपने इसके ऊपर लिखना है और कैसे आपके मन की मनोकामना पूर्ण होगी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको अचानक से धन की प्राप्ति हो, या कोई भी आपकी इच्छा हो, अगर आप अपनी इच्छा को पूर्ण करना चाहते हैं, तो अब मैं आपको पीपल के पत्ते वाला जे उपाय में आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन ये विधि बताने से पहले आप सभी भक्तजनों से निवेदन है कि जो भी भक्तजन साधना और समाधान चैनल के साथ नए जुड़े हैं, तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल घंटी का आप बटन दबाएं, ताकि इस चैनल के ऊपर जो भी उपाय, विधियां और मंत्र डाले हुए हैं, उनकी प्राप्ति करने के बाद, उन वीडियो को देखने के बाद आपके दुख दर्द क्लेशों का निवारण हो और आपके घर में धन धन्य की वृद्धि हो और आपको सुख शांति की प्राप्ति हो। और इसके अलावा जो नई अपडेट हम नित्य ही लेकर आते हैं, तो उसकी भी आपको प्राप्ति हो पाए। और इसके अलावा भक्तजनों, अगर आप घर की किसी समस्या के बारे में मेरे साथ आप संपर्क करना चाहते हैं, मेरे साथ आप बात करना चाहते हैं, या कोई हवन सामग्री किट आप हमारे द्वारा मंगवाना चाहते हैं, घर बैठे आप हर समस्या का समाधान पाना चाहते हैं, कोई रक्षा सूत्र धागा, रक्षा सूत्र तावीज, कोई वशीकरण करने वाला धागा, वशीकरण तावीज, अगर आप हमारे द्वारा मंगवाना चाहते हैं, अगर आप घर की समस्या के लिए जो हम हवन सामग्री की किट भेजते हैं, जिसमें रक्षा सूत्र धागे भी होते हैं और रक्षा सूत्र उपाय भी होते हैं घर में लगाने के लिए, तो वह भी आप हमारे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। और वह आपको प्राप्त होंगे जो आप नीचे जो दो नंबर देख रहे हैं, इनके ऊपर मैसेज करने के बाद आप अपॉइंटमेंट बुक भी करवा सकते हैं मेरे साथ बात करने के लिए, और इसके ऊपर आप कोई भी ऑर्डर बुक कर सकते हैं। तो भक्तजनों, अब मैं आपको ये विधि बताने जा रहा हूँ, जिस मंत्र का आपने जाप करना है वह मंत्र बताने जा रहा हूँ। तो आपने
पीपल के पत्ते का यह जो उपाय करना है, इसके 3 दिन हैं भक्तजनों, या तो सोमवार, या फिर मंगलवार, या फिर शनिवार, इन 3 दिन ही आपने इन उपायों को करना है। आपने ये जो पीपल का पत्ता है, एक पत्ता पीपल का आपने तोड़ कर लाना है। उसके बाद आपने थोड़ा सा कुमकुम सिंदूर लेना है आपने, लाल वाला, और उसमें थोड़ा सा आप पानी डाल लें, और उसकी एक स्याही तैयार करने के बाद आपने एक अनार की कलम लेनी है, अनार की छोटी सी आपने एक कलम लेनी है, और उसके बाद रात्रि के समय साफ वस्त्र पहनने के बाद, पाक साफ होने के बाद, जैसे आप मंदिर में ज्योत बत्ती करते हैं, ज्योत बत्ती करने के बाद, ध्यान धरने के बाद, शाम को 5 बजे के बाद बाद कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। तो अनार की कलम के द्वारा आपने पीपल के पत्ते के ऊपर आपने इस मंत्र को लिखना है, ओम श्री इच्छा पूर्ति देवी काली नमो नमः, ओम श्री इच्छा पूर्ति देवी काली नमो नमः, ओम श्री इच्छा पूर्ति देवी काली नमो नमः। आपने इस मंत्र को उसके ऊपर लिखना है, आपने जो है पीपल का पत्ता है, और लिखने के बाद आपने उस पत्ते को ऐसे हाथ में पकड़ लेने के बाद उसको आपने देखते रहना है जो आपने वह मंत्र लिखा है, और उसके बाद आपने 21 बार इस मंत्र का जाप करना है, ओम श्री इच्छा पूर्ति देवी काली नमो नमः, ओम श्री इच्छा पूर्ति देवी काली नमो नमः। और उसके बाद आपने इस मंत्र का जाप करने के बाद जो भी आपके मन की इच्छा है, जब भी आपने इस मंत्र का जाप करना है, जो भी आप कोई कामना रखकर इस मंत्र का जाप करेंगे, जो भी आपके मन की इच्छा होगी, तो हर मनोकामना को देवी काली का जो मंत्र है आपके मन की हर इच्छा को पूर्ण करेगा। तो आपने उसके बाद भक्तजनों क्या करना है, जब आप रात्रि को सोएंगे, विश्राम करेंगे, तो आपने यह जो पीपल का पत्ता है अपने तकिए के नीचे रखने के बाद आपने विश्राम करना है, रात्रि को सोना है। इस मंत्र का जाप करने के बाद भक्तजनों कई बार भक्तजनों को दर्शन भी हो जाते हैं देवी भगवती के सपने में, जो भी भक्तजन श्रद्धा के अनुसार विश्वास के साथ इस मंत्र का जाप करते हैं। और जब आप अगली सवेर सुबह जागें, तो आपने पाक साफ होने के बाद नहा धोकर आपने फिर क्या करना है, आपने ये जो पीपल का पत्ता है इसको उठा लेना है। उसके बाद या तो शुद्ध जल ले लें, या किसी बर्तन में थोड़ा सा गंगा जल डाल लें, और ये जो पत्ता है उसमें आपने भिगो देना है। तो जब आप इस पीपल के पत्ते को पानी में भिगोएंगे, तो माता काली की जो वह शक्ति है तो इस पानी में प्रवेश करेगी, और उसके बाद ये जो पानी है इसको घर में आपने छिड़कना है, पूरे घर में आपने इसका छींटा देना है, पूरे घर में सभी कमरों में, फ्लश वॉशरूम को छोड़ने के बाद सभी कमरों में आपने इसका छिड़काव कर देना है अपने घर में। तो इससे माता काली की जो शक्ति है आपके साथ चलेगी, और जो वह पीपल का पत्ता है उसको आप जल प्रवाहित कर दें। और यह जो विधि है आप 3-3 बार कर सकते हैं, जो दिन मैंने भक्तजनों आपको बताए हैं। तो इससे माता काली की शक्ति आपके साथ चलेगी, और आपके मन की जो भी इच्छा होगी हर इच्छा को पूर्ण करेगी। अगर पीपल के पत्ते के ऊपर इस नाम को लिखने के बाद आप इसका जाप करेंगे 21 बार, और आपके घर में सुख शांति होगी, धन धन्य की वृद्धि होगी, और हर बुरी बाधा का पूर्ण रूप से आपके घर में से निवारण होगा, और जो भी कोई नजर टोटका कोई बददुआ लगी होगी, क्योंकि बहुत बड़ी शक्ति है देवी भगवती माता काली, अगर आप इस मंत्र का जाप करेंगे इस विधि के अनुसार, तो माता रानी की शक्ति आपके
साथ चलेगी। तो भक्तजनों, अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और इसके अलावा भक्तजनों, अगर कोई हवन सामग्री किट या कोई रक्षा सूत्र धागा तवीज आप मंगवाना चाहते हैं या मेरे साथ आप संपर्क करना चाहते हैं, तब आप इन नंबरों के ऊपर आप बुकिंग करवा सकते हैं। तो भक्तजनों, फिर मिलते हैं एक नई विधि एक नई अपडेट के साथ। तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।